दिव्यांग बच्चों की सेवा करना समाज का परम कर्तव्य। बजरंगी प्रसाद यादव। साहिबगंज में शहर स्थित दिव्यांग विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के बीच अर्जुन हर्बल मेडिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक एवं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव के द्वारा खाद्य सामग्री और अंग वस्त्र दिया गया। वहीं बजरंगी प्रसाद यादव ने बताया कि दिव्यांग बच्चे ईश्वर का स्वरूप है, इनकी सेवा ईश्वर की सच्ची आराधना है। समाज की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे बच्चों की देखभाल करें और पठन पाठन में अपनी सहभागिता दें। ऐसे संस्थानों को बिजली, पानी और हर प्रकार की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना चाहिए। सरकार से हमारी मांग है कि ऐसे विद्यालयों को उत्तम से उत्तम व्यवस्था दी जाए। इस अवसर पर बाल कल्याण समिति के सदस्य डॉक्टर सुरेंद्रनाथ तिवारी, कृष्णा शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। शहर के दिव्यांग विद्यालय में दिव्यांग बच्चों को और यहाँ के सेवारत शिक्षिका सिस्टर सबको वस्त्र और अन्न का आज वितरण किया गया। यही कार्यक्रम था मुख्य रूप से। दिव्यांग बच्चे भगवान स्वरूप हैं और इनकी सेवा करना, जो सिस्टर यहाँ सेवा दे रही है, निश्चित तौर पर ये बहुत ही सराहनीय और उच्च श्रेणी का सेवा हम कहेंगे कि ऐसे बच्चे जो अपने संपन्न होने के बाद भी अपने बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को अपने घर में लोग जो नहीं रख पाते हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको यहाँ पर एक अच्छा शिक्षा संस्कार दे रही हैं सिस्टर जन, उनका निश्चित तौर पर इस मौके पर हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं कि आप इस तरह का सेवा जो दे रही हैं, ईश्वर निश्चित तौर पर आपके बहुत कुछ आशीर्वाद देगा और बहुत कुछ जन्नत आपको नसीब होगी। यही हमारा आज के अन्न और वस्त्र का वितरण कार्यक्रम था, उसमें बच्चों को दिया गया और हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्रनाथ तिवारी जी हैं, कृष्ण कुमार शर्मा जी, कुंदन पासवान जी हैं, सभी के लोग उपस्थित हैं। अर्जुन हर्बल एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा दिव्यांग बच्चों के बीच खाद्य सामग्री और वस्त्र का वितरण इसके निदेशक श्री बजरंगी प्रसाद यादव जी के करकमलों द्वारा हुआ। चूंकि बाल कल्याण समिति के सदस्य होने के नाते हम लोग दिव्यांग बच्चों की देखरेख करते हैं और दिव्यांग बच्चे ईश्वर का रूप है, इनकी सेवा, इनकी देखरेख में समाज का भी दायित्व तो बनता है। उसी के तहत आज समाजसेवी श्री बजरंगी प्रसाद यादव जी और अन्य सहयोगियों के साथ बच्चों को खाद्य सामग्री और वस्त्र आदि उपलब्ध कराया गया। साहिबगंज, झारखंड से सहेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट।